नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रेफरेंट फार्मिंग पे। ये गन्ना कटाई मशीन है, शुगर केन हार्वेस्टिंग मशीन। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, और ये दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से गन्ना काटा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, और ऊपर से ये गन्ना दूसरी ट्रॉली है। ये ट्रैक्टर देखिए आप, जो न्यू हॉलैंड 3602 ट्रैक्टर है, इसके अगले वाले पहिए तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ये पिछले पहियों से ही चलता है। और आप देख सकते हैं ये गन्ना कटाई मशीन चल रही है। देखिए दोस्तों, और ये ऊपर से गन्ने के टुकड़े नीचे अलग से ट्रॉली है उसमें डाल रहे हैं ऑटोमेटिकली। इस मशीन के लिए कई चीजें होनी चाहिए आपके गन्ने के खेत में। एक तो आपका गन्ना ट्रेंच विधि से बोया हुआ होना चाहिए, और दूसरी बात खेत में ज्यादा नमी ना हो, क्योंकि ये काफी भारी मशीन है जिससे आपके पहिए बैठ सकते हैं और ये अटक सकती है। और ये ट्रॉली भर गई एक, ये लेके जा रहे हैं उसे दूसरी ट्रॉली में डालने के लिए। ये देख लो, ये दो पहियों का ट्रैक्टर है, दो पहियों का ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड 3602। भाई वाह, और साथियों ये ट्रैक्टर आ गया है वापस, अब फिर से कटाई शुरू की जाएगी। क्या नाम है? इनफील्डर। इसको इनफील्डर बोलते हैं, ये दो पहियों वाला ट्रैक्टर है, इसको इनफील्डर कहा जाता है। ये सारा प्रेशर से, ये पूरा का पूरा प्रेशर से चलता है। और अब कटाई फिर से शुरू की जाएगी। फिर से शुरू हो गई है यहाँ पर गन्ना कटाई। क्या जबरदस्त मशीन है। पहियों वाला ट्रैक्टर, इसको इनफील्डर बोला जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे से कूड़ा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। बहुत ही बड़ा पंखा पीछे लगा हुआ है, ये देखिए, ये इसका कूड़ा कबाड़ा और पत्ती पूरा बाहर, और गन्ना खेत के सिरे की एंडिंग हो गई। अब ये मशीन वापस जाएगी दूसरे सिरे पर खेत के। और ये इनफील्डर भी वापस आ रहा है, वहीं पर जाकर दोबारा से लगेगा मशीन के नीचे। और इसके ड्राइवर देखिए कितने एक्सपर्ट हैं। हार्वेस्टिंग इन इंडिया,
देखिए खेती कितनी आधुनिक हो गई है। एक ऐसा काम जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये मशीन द्वारा किया जा सकता है, वो काम आज मशीनों से होने लगे हैं। स्टेबिलिटी कम है क्योंकि मुझे साथ साथ चलना पड़ रहा है इसके पीछे। ये जो सुगर केन हार्वेस्टिंग मशीन है साथियों, इसके कुछ अपने फायदे हैं। जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हैं, ये जो पत्ती है ये बिल्कुल बारीक है। इस समय इससे आपको मल्चिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप खेत सीधा ऐसे ही जोत सकते हैं अपने रोटावेटर हैरो वगैरह से। बिल्कुल ये बारीक टुकड़े हैं पत्ती के, आप देख सकते हैं। इसे मल्चर की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे कि आपके खेत में जैविक खाद भी लग जाता है और ये बिल्कुल अच्छा रहता है ये। लेकिन इसके लिए आपको ट्रंच विधि से बोई जाने वाली, जो ट्रंच विधि का तरीका होता है उससे ईख बोई जानी चाहिए और आपका खेत सूखा होना चाहिए, जिससे कि ये मशीन काफ़ी भारी होती है और ये उससे बैठे ना नीचे मिट्टी में। तो इसलिए खेत हो सके तो सूखा करवा लें, सूख जाने दें अपने खेत को। और ये देखिए खेत पूरा, पत्ती पूरी कट गई है इससे। और ये ट्रैक्टर अभी जो मशीन पे था वो चल रहा था, वो अभी उसे खाली करने के लिए गए हैं ट्रॉली में, दूसरी ट्रॉली में गन्ना डाल के वो मिल में सप्लाई किया जाता है, वो अभी आने वाले हैं। इसका थोड़ा सा हम लुक अराउंड देख लेते हैं। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है साथियों, लेकिन मैं आपको इसका लुक अराउंड ज़रूर दिखा दूंगा। और ये देखिए ये इतना बड़ा फैन चल रहा है जिससे कि कूड़ा कबाड़ा जो होता है आपकी शुगर केन में वो बाहर हो जाता है और यहाँ से आपका गन्ना नीचे आता है। ये इसका एयर फिल्टर काफी बड़ा है। ये देखिए इसका ऑपरेटिंग केबिन। साथियों ये इनफील्डर आ गया है और ये ट्रॉली में इसमें गन्ना डाला जाएगा इनफील्डर के थ्रू। तो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ट्रॉली में गन्ना लोड किया जाता है। इस ट्रॉली में गन्ना लोड किया जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये काफी हैवी जैक लगे हुए हैं। ये इसे घुमा के लगाना पड़ेगा। ये ट्रैक्टर बड़ा का जब है, इनफील्डर बोलते हैं इसे। भाई वाह क्या धांसु सामान है। वो
उठने की तो आगे से झंझट ही नहीं है बिल्कुल भी, उठा हुआ तो है ही खुद ही। और ये देखिए कितने बड़े बड़े प्रेशर जैक यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये ट्रॉली इस दूसरी ट्रॉली में पलटी जाएगी इस इनफील्डर की सहायता से। पूरी लाइन मिलाई जा रही पहले इसकी, ये बहुत बड़े बड़े प्रेशर जैक इसमें आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं। ये देखिए ये पलटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखिए दोस्तों इन फिल्टर की सहायता से दूसरी ट्रॉली में ये जो सुगर केन हार्वेस्टिंग मशीन से कटा हुआ गन्ना है ये इसमें पलटा जाएगा। और अब ये इन फिल्टर दोबारा जाएगा वहीं पे सुगर केन हार्वेस्टिंग मशीन के पास और दोबारा से ये लोड होके फिर से आ जाएगा। कितने मजबूत प्रेशर जैक इसमें लगे हुए हैं। और ये अब इनफील्डर अपनी पोजीशन लेता हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुझाव